हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में मोबाइल फोन चोरी होना कैसा होता है या सपने में खोया हुआ मोबाइल ढूंढना कैसा होता है। दोस्तों, हमें पता है कि आजकल की डिजिटल लाइफ में मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जिसे हम चाहकर भी दूर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा मोबाइल अगर चार्ज नहीं होता तभी हमें कितनी ज्यादा चिंता हो जाती है। हम सपने में देखते हैं कि हमारा मोबाइल नहीं मिल रहा है, बाद में पता चलता है कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है। तो दोस्तों, इस सपने का अर्थ वास्तविक जीवन से कुछ अलग है, क्योंकि चोरी होना कोई अच्छी बात नहीं है। चोरी होने पर हमारा नुकसान मात्र ही होता है, लेकिन दोस्तों सपने में मोबाइल चोरी होना इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। इसके साथ ये सपना आर्थिक फायदे को भी दर्शाता है। जल्द ही आपके जीवन में ऐसा इंसान आएगा जिसकी सलाह से आप कुछ दिनों में ही लाखों रुपए कमाओगे। तो कहने का मतलब है कि ये सपना किसी प्रकार का बुरा संकेत नहीं देता है। इस प्रकार के सपने से आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सपने में खोया हुआ मोबाइल ढूंढना कैसा होता है। सपने में आपका फोन खो गया हो और आप उस फोन को ढूंढ रहे हैं, तो ये सपना आपके लिए कई सारे संकेत देता है। अगर आप एक स्टूडेंट है और सपने में खुद का फोन खोजते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति मिलने वाली है। अगर आप एक बिजनेसमैन में हैं, तो ये सपना आपके बिजनेस की तरक्की का संकेत देता है। आने वाले जीवन में आप कुछ ऐसी नई चीज करने वाले हैं जिसके कारण आपकी खूब तरक्की होने वाली है। अगर आप पहले से किसी के प्यार में हैं और सपने में देखते हैं कि आपका मोबाइल खो गया है और आप उस मोबाइल को घर में जगह जगह ढूंढ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आप अपने प्यारे साथी से मिलने वाले हैं। इसके साथ ही वे सपना नए रिश्ते, नए लक्ष्य प्राप्ति, शुद्ध स्थिति और नए गुण को दर्शाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।